नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एडेनियम प्लांट है। अभी मार्च का मिडिल में है। अभी देखिए एडेनियम खिला हुआ है। ये विंटर ख़त्म हो गया है। अभी एडेनियम का सीजन है। आप कैसे एडेनियम को रिपॉटिंग करेंगे या एडेनियम का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो फ्रेंड कहीं मत जाइएगा, वीडियो देखते रहिए। मेरा एडेनियम का मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है एडेनियम का। तो फ्रेंड देखते रहिए मेरे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो के विषय में चलते हैं। फ्रेंड जब भी कोई एडेनियम प्लांट को आप रिपॉटिंग करें तो उसका जो रूट है वो थोड़ा कट कर छाट ले, वो जो जैसा रूट के जाली बन जाता है थोड़ा सा रूट आप काट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लीव होता है वो भी आप कट कर लेंगे तो वो प्लांट नया जो मिट्टी है उसमें सेट होने में बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि लीव नहीं रहेगा तो एनर्जी वो रूट बनाने में लगा देगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि एडेनियम का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। ये देखिए बहुत सारा चीज़ है इधर। ये है सेंट, ये मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है मेरा। ये गार्डन सॉइल है, ये कंकर है, ये लकड़ी का जो कोयला है वो है, ये है सूखे पत्ते। फ्रेंड एडेनियम का जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत ही हल्का चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए और वेल डन होना चाहिए, क्योंकि एडेनियम की प्लांट में अगर पॉट में कोई भी पानी अगर रह जाता है तो उसको रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। उसका जो रूट है वो गल सकता है, उसके उसमें फंगस लग सकता है। इसीलिए इसका जो मिट्टी आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे वो बहुत ही वेल डन और लाइट वेट होना चाहिए। तो फ्रेंड पॉटिंग मिक्स में आप पहले लेंगे गार्डन सॉइल, ये आप 30% लेंगे। उसके बाद ये सेंड है, रिवर सेंड है, फाइन रिवर सेंड, इसको भी आप 30% लेंगे। और 30% आप लेंगे ये देखिए चारकोल है, ये काट का कोयला है, जली हुई काट का कोयला है, ये जो कंकर है पेबल है इसको मिलाकर, और पत्ते हैं, पत्ते सूखे पत्ते हैं, और आप ब्रीप की भी टुकड़े ले सकते हैं। ये सब मिलाकर आप 30% लेंगे। और देखिए इधर खाद रखा है, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट है। आप डी कंपोस्ट काउडंग भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है आपके पास है तो। ये आप 10% लेंगे। इधर देखिए नीम के खली है, इसको आप एक मुट्ठी मिलाएंगे पॉटिंग मीडिया में, क्योंकि नीम खली मिलाने से क्या होगा आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगा और ये एक तरह के फर्टिलाइज़र भी है। ये जो पत्ते देख रहे हैं सूखे पत्ते, ये आप जो पॉट है उसके नीचे, सबसे नीचे पॉट का आप ये ग्रेविल का जो है पेबल है ये देंगे, कोयले देंगे काट के कोयले, और ब्रिक का टुकड़ा जो है वो आप नीचे पूरी तरह से 1.5 इंच तक वो आप पॉट में भर दीजिए। इससे क्या होगा पानी जो है आपके पॉट में, जब आप पानी देंगे तब वो पानी नहीं ठहरेगा। उसके ऊपर ये देखिए ये सूखे पत्ते हैं, इसको आप बिछा दीजिए 1 इंच तक। ये सूखे पत्ते क्या होगा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और इससे भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा आपका जो प्लांट है एडेनियम का उसका। फ्रेंड ये मेरा एडेनियम है, इसको मैंने रूट जो है वो मैंने ट्रिम कर लिया है। अभी इसका पत्ता जो है वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि पत्ते हटाने से क्या होगा ये प्लांट जब आप नया मिट्टी में बैठाएंगे तब इसका जो रूट है वो जल्दी ही डेवलप कर जाएगा, क्योंकि पत्ते जब रहता है तो वो रूट बहुत जल्दी नहीं बना पाता है, पत्ते में ही उसका एनर्जी ख़त्म लग जाता है जितना सारा एनर्जी होता है। ये देखिए आपका पॉट जो है उसका होल जो है वो ठीक होना चाहिए। ये मैं बड़ा बड़ा पत्थर से पॉट का जो नीचे का लेयर है मैंने 1 इंच तक इसको बड़ा पत्थर से कवर कर लिया है, इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा प्लांट का, पानी नहीं ठहरेगा। आप देखिए सूखे पत्ते हैं, इसको मैं बिछाऊंगी 1 इंच तक। इससे क्या होगा आपका प्लांट को एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा इससे, और ये ड्रेनेज सिस्टम में भी अच्छा तरह से हेल्प करेगा प्लांट को। इसके बाद ये मैंने जो पॉटिंग मीडिया है वो बना के रखा है, सब मिला के मैंने बताया।
वो सब मिला के मैंने पॉटिंग मीडिया बना के रखा है, उसको अब ऐसे तरह बिछा कर थोड़ा सा लेयर बनाकर आपका जो प्लांट है एडेनियम का वो आप ऐसे ऊपर से बिठाकर उस पर, तो आपका जो रूट है वो इधर रख के आप मिट्टी डाल दीजिए, ज़्यादा डीप तक नहीं मिट्टी डालेंगे, ऊपर से एक लेयर बनाकर बस छोड़ दीजिए, ऐसे रेडी हो जाएगा प्लांट। अभी एडेनियम के सीज़न है, बहुत सारा एडेनियम लगाए आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और बहुत सारी वीडियो एडेनियम के ऊपर आने वाला है, आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।